So students, just now we have solved 3-4 questions which were based on compound interest. पहले हमने simple interest पढ़ा, फिर उन दोनों का difference पढ़ा. But हमने जो method use किया, it was traditional और lengthy method. क्योंकि हम एक या दो साल के लिए तो easily निकाल पाए, but दो साल से ज़्यादा है, 3 years है, 4 years है, 5 years है, तो calculation जो थे वो काफ़ी lengthy हो रहे थे और tough भी हो रहे थे. ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि there should be some formula to solve easily, right? तो हमारा टॉपिक तो वही सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट, बट अब हम जो पढ़ेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे. हाँ, टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैं वापस से लिख देती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट. जहां भी हम ए यूज करेंगे तो वो अमाउंट होगा, अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करने पे मिलेगा. पी जो होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा. प्रिंसिपल मीन्स वॉट एवर अमाउंट वी आर डिपॉजिटिंग और वी आर टेकिंग लोन. ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर फिक्स रुपीज हैं जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल. फिर इस पे थर्ड टर्म जो आएगी दैट इज इंटरेस्ट. एंड एन जो आएगा इट इज फॉर टाइम. एंड आर जो होगा इट इज फॉर रेट. ठीक है, फॉर्मूला जो होगा अमाउंट इज इक्वल्स टू P into बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है R by 100 to the power n. अब जब हम इसके थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है. अब यहां हमको 1 by 1 करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए. इस फॉर्मूले के साथ एक और चीज बता देती हूं, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोले कोई भी इंटरेस्ट तो वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यही फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला ना भी हो तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ में आना चाहिए. प्रिंसिपल मीन्स विच वी आर डिपॉजिटिंग. अब उस पर हमें कोई इंटरेस्ट मिला, वो दोनों अमाउंट ऐड हुए तो वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया. उस पर्टिकुलर अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला ऑलरेडी है, पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर एन माइनस प्रिंसिपल का पी. इसको अगर हम सॉल्व करें पी आपका कॉमन निकल जाएगा, इसको पी इंटू 1 लिख सकते हैं हम. पी हमने क्या किया, होल में से कॉमन निकल लिया, 1 + R/100 टू द पावर एन माइनस 1. ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप अगर ये यूज करें और बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट आया और प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आपको इजी और कन्वीनियंट लगे आप उससे करें. बट अब आपके कैलकुलेशन डेफिनेटली बहुत सिंपल हो जाएंगे. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑन रुपीज 12,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहां एन क्या है, टाइम के लिए यूज हो रहा है. और ये जो अभी हम एन यूज कर रहे हैं सारा केस अब आज के लेक्चर में जो भी लेंगे वो कंपाउंडेड एनुअली ही ले रहे हैं. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली मीन्स 1 year के हिसाब से हम इसको कंसीडर करें. जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली आएगा, तब केस अलग हो जाएगा. तो अभी जो मैं पर्टिकुलर जितने भी एग्जाम्पल लूंगी ऑल आर बेस्ड ऑन कंपाउंडेड एनुअली. तो वो फॉर्मूला जो है वो आपका ये का यही रहेगा. जब हाफ ईयरली आएगा तो फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, क्वार्टरली आएगा तब फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, वो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताऊंगी आपको. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, सब कुछ गिवन है, तो पहले आप जो जो गिवन है वो लिख लें. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, सॉरी रुपीज, टाइम दिया है 3 years
और रेट दिया है 10%, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑब्वियस है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट। मैंने आपको बताया, आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज फर्स्ट यू फाइंड अमाउंट एंड देन सब्ट्रैक्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दो बहुत ईजी चीज है। अमाउंट इज इक्वल टू पी गिवन है 1 प्लस आर गिवन है 10/100 टू द पावर एन गिवन है। क्या डिफरेंस हुआ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस जो हमने ट्रेडिशनल पैटर्न लिए थे? वहां पर हम 1/1 ईयर का करके निकाल रहे थे। फर्स्ट ईयर का हम पहले प्रिंसिपल निकालते थे, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम उसे प्रिंसिपल में ऐड करते थे, तो वो बन जाता था अमाउंट। वो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। फिर अगेन इंटरेस्ट आता था, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता था। नाउ इट इज न्यू अमाउंट, दिस न्यू अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर। ऐसे हम प्रोसेस को करते जाते थे, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी होता था। अब यहाँ आपके सामने है, डायरेक्ट टाइम है, हमने रख दिया पूरा इकट्ठा, 3 साल का आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसका हम एलसीएम लेंगे, दैट विल गिव यू 11/10 टू द पावर 3, 12,000 इंटू, इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस आपके कैंसल हो जाएंगे, पावर 3 है तो हमने 3 times ओपन कर दिया, राइट। अब हमारे पास आया 12 × 11 × 11 × 11। यहां पर आपको याद रखना है 11 × 11 कहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट ले लिखें उसकी जगह 121। याद होना चाहिए टिप्स पे कि 11 जब 2 times मल्टीप्लाई होता है तो इट विल गिव यू 121। 11 3 times तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, फिर इसके बाद वाले आप चाहे याद रखें या ना रख पाए। ठीक है, तो 3 times है तो 11 × 11 × 11 इज 1331। देन आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है 12 का, मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट है तो इट विल गिव 15972 रुपीस। बट ये हमारा क्या आया है, अमाउंट। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट which is always equal to amount minus principal. Any kind of interest is always equal to amount minus principal. ठीक है, अमाउंट आपके पास आ चुका है, देखिए कितना पैसा बढ़ चुका है। जो भी पर्सन था, ही हैज डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज बट ही इज गेटिंग 15,972, सो योर आंसर इज 3972 रुपीज। ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज का उसे इंटरेस्ट मिला, पर ये इंटरेस्ट कौन सा है, कंपाउंड है, इसलिए ज्यादा मिला। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे यही अमाउंट डिपॉजिट करता तो आंसर क्या आता, थोड़ा सा कम आता। ठीक है, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ना। अनदर नेक्स्ट एग्जांपल इज अभय लेंट रुपीज 8,000 टू हिज फ्रेंड फॉर 3 years। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और जो जो गिवन है तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी जो मैं 4-5 एग्जाम्पल ले रही हूँ सारे के सारे पर एनम एंड एनुअली ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट डस अभय गेट आफ्टर 3 years? मीन्स इन दिस क्वेश्चन अभय इज गिविंग सम रुपीज टू हिज फ्रेंड, वह उसे उधार दे रहा है, लेंट कर रहा है। ठीक है, एंड जो भी फ्रेंड है ही विल रीपे, ऑब्वियस है उसने लिया है तो ही विल रीपे आफ्टर 3 years। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट अमाउंट डस अभय गेट आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव, अभय विल रिसीव। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें अमाउंट ही निकालना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं बोला है। अब हम जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, हाउ मच अमाउंट ही इज लेंटिंग
8000। ये देखिए स्टूडेंट, एक डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक अमाउंट वर्ड हम रुपए के लिए यूज करते हैं, जैसे हाउ मच अमाउंट वी नीड टू पे, ऐसा, ठीक है। और एक अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल के बनता है। इन दिस चैप्टर अमाउंट की जब भी बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बोला हाउ मच अमाउंट और मनी ही इज लेंटिंग, सो इट इज प्रिंसिपल। ये अमाउंट मैंने रुपीस वाला यूज किया है, ठीक है। हाउ मच मनी ही इज लेंटिंग और हाउ मच रुपीज ही इज लेंटिंग टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड जरूर है, बट कंफ्यूज होना नहीं है हमें, राइट। पी इज इक्वल टू 8000, रेट दी हुई है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, सब कुछ गिवन है। वेल अप्लाई द फॉर्मूला 1 + r/100 to the power n, जो जो गिवन है वो पुट कर देंगे। हाउ मच मनी इज लेंडिंग 8000, 1 + r/5/100 to the power 3। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 8000 × 1 + 5/100 कैंसिल होगा, 5 × 5, 5 × 20 = 100, ठीक है, टू दी पार्ट 3। इसका ये जो ब्रैकेट पार्ट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो जाता है। इट विल इक्वल टू 21/23। नाउ 8000 × 21/20, 21/20, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा बिकॉज 3 है, ठीक है। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आया था, क्यूब 11 आया था, तो 11/10, 11/10, 11/10। सिमिलरली मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगी, जब भी 11 आया तो मैंने आपको तीनों याद कराए। 11 × 11 = 121, 11 × 11 × 11 = 1331। इतने तो मिनिमम याद होना ही चाहिए। 21 × 21 = 441, एंड 21 × 21 × 21 = 9261। इतना मिनिमम 3 तक का तो हमें याद होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ यूज कर लिया 8000 × 21, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है, सो इट इज इक्वल टू 9261, 2 × 2 = 4, 2 × 8, सो इट इज इक्वल टू 8000। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया, अमाउंट आ गया 9261 रुपीस। यही अगर हम पुराना पैटर्न से करते तो हम पहले फर्स्ट ईयर का निकालते, फिर वो ऐड करते, फिर सेकेंड ईयर का ऐसे करते, तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूले की यूटिलिटी क्या है और फॉर्मूला कितना ईजी है अप्लाई करना, ठीक है। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन लिखने के बाद हमें क्या फाइंड करना है उस पर फोकस करिए और फिर फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। विजय ऑब्टेन्स अ लोन ऑफ 64,000 रुपीज। थोड़ा सा डिफरेंट है ये। विजय ऑब्टेन अ लोन ऑफ 64,000 रुपीज अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट। If the rate of interest be 2.5 paise, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, 2.5 paise per annum. Calculate the compound interest for 3 years. क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बट रेट में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, ट्विस्ट है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। पहले जो जो गिवन है हम वो लिख लें। कितना अमाउंट है इज टेकिंग एज ए लोन, 64,000 रुपीज। यहाँ पे अगेन आई हैव यूज वर्ड अमाउंट, बट यहाँ पर मेरा मतलब क्या है, मनी से, कि हाउ मच मनी ही इज टेकिंग एज ए लोन। सो ही इज टेकिंग 64,000 रुपीज एज ए लोन, सो दिस इज योर प्रिंसिपल। टाइम क्लियरली दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब जो मेन चीज दी है दैट इज रेट,
उसको हम जैसा दिया है पहले वैसा लिखें तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि हमें से क्या कन्वर्ट करना है। 2.5 पैसे पर रुपी पर एनम, हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है इट इज 5% पर एनम और 3% पर एनम, ऐसा दिया होता है। सो यहाँ पर हमारा जो आर दिया है हम उसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट है। 2.5 पैसे, जबकि अभी तक हमें जो है परसेंट में रेट दिया होता था, तो कोई नहीं हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, ये तो सबको पता है। सो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 2.5 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड। नाउ 2.5 पैसे इज इक्वल टू 1/100 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 2.5/100, बट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रुपी। तो हमारा जो 2.5 है नाउ इट इज इक्वल टू 2.5/100। परसेंट में रेट चाहिए होता है तो हमने क्या करा उसको इंटू 100। नाउ फाइनली इट इज 2.5/100 इंटू 100 पर 100 100 पर एनम, जो हमें पर एनम चाहिए होता था उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये 100 100 कैंसिल। नाउ दिस 2.5 पैसे इज कन्वर्टेड इंटू 2.5%, बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी चीज़ को हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो वो प्रोसीजर हमने किया। प्लस पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वो प्रोसीजर हमने किया। सो नाउ इट इज सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 2.5%। अब तो आपका फॉर्मूला बहुत ईजी है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1/R/100 to the power n। हाउ मच अमाउंट ही इज टेकिंग एज ए लोन, 64,000 rupees। 1 + R इज वॉट, 2.5/100 to the power फॉर 3 years। सब कुछ गिवन था, हमने पुट कर दिया 64,000 इंटू, यहाँ पर डेसिमल हटाया, ये हुआ दिस इज 40। सो फाइनली इट इज 41/40 to the power 3। 64,000 इंटू क्यूब है तो 41/40 41/40 into 41/40। 3 zeros ऑलरेडी कैंसिल, आई थिंक 4 4s are 16 4s are, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। 41 into 41 into 41 विल गिव यू 6,8,921 rupees, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने पूछा था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में निकाल रही हूँ, अमाउंट आ चुका है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6,8,921 - 64,000 rupees। फाइनली ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 4,921 rupees, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया आपका 4,921 rupees। सिंपल क्वेश्चन था, बस एक जगह पर था कि रेट में थोड़ा सा चेंज दिया हुआ था, तो हमने अकॉर्डिंग टू उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ अनदर गुड एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो वो नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट डायरेक्ट देंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए अब यहां तो डायरेक्ट दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें पैसे में दिया हुआ था, उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना था, हमने करके दिखाया। 4 years ऑन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ऑन द प्रिंसिपल विच इन 4 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम गिव्स रुपीज 1600 एज
सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे ट्विस्ट है कि इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, बट प्रिंसिपल नहीं दिया है। और उसमें क्लू दिया है फॉर 4 ईयर्स ऑन विच द प्रिंसिपल इन दिस एंड दिस। मीन्स हमें सेकेंड पार्ट के थ्रू पहले क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल विल बी द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट पार्ट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पार्ट से हमें प्रिंसिपल निकालना है और जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा इसमें दो पार्ट हो जाएंगे। जो जो गिवन है वो लिख लें। फर्स्ट पार्ट में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट की रेट जो दी है दैट इज 10%, टाइम इसको हम टी लिखें और एन लिखें विच इज 4 ईयर्स, एंड प्रिंसिपल नहीं दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है SI विच इज 1600 रुपीज़, रेट दी है 4% एंड टाइम दिया है 4 ईयर्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम सब जानते हैं क्या होता है, P × R × T/100। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। 1600 इज इक्वल टू, पी नहीं दिया, आर इज 4, टाइम इज 4/100। सबसे पहले हम इसको एक्सचेंज कर लें, निकालने के लिए इजी हो जाएगा। जो हमें वेरिएबल फाइंड करना होता है हम उसे लेफ्ट में प्रेफर करते हैं। 1600 × 100/4×4, 4×4 = 16, तो ये मिलेगा हमें 100। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। प्रिंसिपल हमें मिल गया थ्रू सिंपल इंटरेस्ट। अब यही प्रिंसिपल अगेन इट विल बी अ प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो जो यहाँ पे मिसिंग था नाउ वी हैव। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। बट उससे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P × (so and so)^n। ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास आ चुका है 10,000 × 1+R was 10/100^n। ये आ गया 1/10 means 11/10^n भी गिवन है, 4 ईयर्स। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। 10,000 × 11/10 × 11/10 × 11/10 × 11/10। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से क्या फ़ायदा मिलता है, मैक्सिमम जीरोस आपके कैंसिल हो जाते हैं। अब आपको केवल 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 3 टाइम्स तक तो ऑलरेडी याद करने को मैंने आपको बोला है। 3 टाइम्स तक तो होता है 1331 × 11। सो फाइनली इट इज 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया, 14641 रुपीज़। बट अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, क्या आया है, अमाउंट। अब जब अमाउंट आ गया है मैं यहाँ पे निकल रही हूँ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट वॉज 14641 माइनस प्रिंसिपल इज 10,000। सो योर इंटरेस्ट पार्ट इज 4641 रुपीज़। कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया, पर कब, जब हमें प्रिंसिपल पता चला। और प्रिंसिपल हमने कैसे निकाला, थ्रू सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली कहा था कोई एक पर्टिकुलर फिक्स मनी है जिसका सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो पहले तो वो मनी निकाल लें। वो मनी जो आएगा दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगेन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी on a sum of money for 3 years at 6 1/4% per annum। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं पर एनम के लिए कर रहे हैं,
बट अगेन यहाँ पर 6 1/4% देके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमेशा जरूरी है कि नॉर्मल नंबर दें, मिक्स न्यूमरल भी तो दे सकते हैं। आमा एनम इज रुपीज 2400, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन में अगेन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सचर किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट भी वही है जो ऑलरेडी दी है, टाइम भी वही है, बस केवल क्या मिसिंग है, प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल हमें किसके थ्रू निकालना है, फर्स्ट पार्ट के, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें अच्छा क्लू दिया है सिंपल इंटरेस्ट। अगेन हम वही प्रोसीजर करेंगे, दो पार्ट में जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 2400 रुपीस। प्रिंसिपल जो है वो मिसिंग है, टाइम दिया है 3 ईयर्स एंड रेट दी है 6 1/4%। सबसे पहले तो हम ये रेट को क्लियर करें। सो रेट इक्वल टू, मिक्स न्यूमरल ओपन करने का तरीका क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस जो भी आएगा उसमें 1 होगा अपॉन 4। 6 4 24 प्लस 1 25 अपॉन 4। ठीक है, सो रेट आपकी आ गई 25/4%। सेकेंड पार्ट के लिए भी रेट ये का यही है, उन्होंने क्लियर कहा है जो भी आपका प्रीवियस पार्ट में है वही रेट, टाइम भी वही है 3 ईयर्स एंड प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। प्रिंसिपल हम फर्स्ट पार्ट के थ्रू निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट में जो भी फिगर आएगी दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड पार्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट वन जैसा ही ऑलमोस्ट। हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। वैल्यू पुट करेंगे, 2400 इज इक्वल टू पी इंटू आर, आर इज 25/4, ध्यान दीजिएगा, एंड टाइम इज 3 एंड होल अपॉन आपका होता है 100, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, P into 25 into 3 by 100 into 4, जो 25 upon 4 था वो 4 कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में। अब हमें जो निकालना है हम उसे लेफ्ट पे कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस होता है जो भी वेरिएबल पार्ट है वो लेफ्ट साइड में रहे तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P, जितने डिनोमिनेटर हैं वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से और जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आई थिंक 3 8 24 तो कैंसिल हो रहा है और 25 4 100, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो चुका है, ऊपर आपके पास आ गया है ये। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो योर आंसर विल बी 12800 रुपीस। अब आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल मिसिंग था नाउ इट इज 12800 रुपीस। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत ही आसान है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। सब कुछ सेम था, बस केवल हमें प्रिंसिपल एंटर करना था। 1 + r इज वॉट 25/4 × 100, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, एंड टाइम जो है दैट इज 3 ईयर्स। आर जो है 25/4% है, तो 4 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। अभी कैंसिल हुआ 25 1 & 4 0। अभी एक स्टेप और हम लिखेंगे, जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप इसे डायरेक्ट 17/4 लिख सकते हैं, बट मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रही हूँ ना। जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 17/16 अपॉन
सॉरी 17/16 टू द पावर 3 ये आ चुका है। नाउ 12800 इंटू इसको तीन बार हम लिखेंगे क्योंकि क्यूब है एंड फाइनली इट विल गिव यू आंसर 15353 पॉइंट 125 रुपीस। ये आपका अमाउंट आ गया है ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका अमाउंट आया है दैट इज 15353.125। कैलकुलेशंस में देख के लिख रही हूँ बट आपको करना पड़ेगा। अब इसे हम बचा हुआ जो है यहाँ कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास ऑलरेडी आ गया है 15353.125 माइनस प्रिंसिपल इज व्हाट 12800। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर है 2553.13। इसको राउंड अप कर दिया है 125 को हम 13 लिख सकते हैं और आप चाहें तो 125 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 12800 और उसी प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2400। तो मैंने आपको जैसा बताया सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा मिलता है। जब भी मनी डिपॉजिट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कंपाउंडेड एनुअली दें ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका।